फाइनली रात भर बहुत सारा काम करने के बाद टायर्ड अभी भी हूँ, क्योंकि अकेला हूँ, वन मैन आर्मी हूँ, सारा कुछ खुद से ही करना होता है। सो एनीवेज, वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग फ़ोन जो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस फ़ोन का इंडिया में आने के लिए। तो जी, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro 5G के बारे में, जो कि इंडिया में किस नाम से आएगा, कब आएगा, प्राइस क्या होगा, और मोटो का जो अभी 5G डिवाइस आया है उसके हिसाब से कहाँ कॉम्पीट करता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर हमारे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेक आउट करें, और काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। तो आपका होस्ट एंड दोस्त मैं अजीत, आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 9 Pro 5G। अब ये फ़ोन क्यों डिमांड में आने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि Redmi के फ़ोन जो होते हैं वो बजट सेंट्रिक होते हैं। बजट सेंट्रिक के साथ यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस प्लस काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट भी हम उस फ़ोन से ले सकते हैं। Redmi इसी चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन वहीं बदलते समय के साथ Redmi यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के साथ अलग अलग कांड कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी क्रेज है। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro 5G का। यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है Motorola के साथ, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, क्योंकि Lenovo ओन करती है Motorola को, तो जिसकी वजह से वो भी एक चाइनीज़ कंपनी है, तो चाइनीज़ के साथ भिड़ंत होने वाली है। तो Redmi Note 9 Pro 5G यहाँ पर आपको लगभग मान के चलिए कि जनवरी में तो आपको दिख ही जाएगा। अगर कोई नया फ़ोन लेना चाहता है तो वेट कर लीजिएगा। दिसंबर इसलिए कम चांसेस है क्योंकि 2021 नया साल होगा, तो नए साल के साथ शायद वो लोग कुछ नया लेकर के आए, लेकिन यहाँ दिसंबर लास्ट तक में भी आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ये जो इंडिया में आएगा, यहाँ पे दो नाम में से कोई एक नाम हो सकता है। एक हो सकता है या तो Redmi Note का 10 सीरीज, या फिर हो सकता है यहाँ पर Mi 10i। ये दोनों में से एक नाम यहाँ पे कंफर्म्ड है कि दोनों में से एक नाम में से ये आएगा। इसका डायरेक्ट कंपटीशन यहाँ पे Motorola Moto 5G जो है हैंडसेट उसके साथ है। Motorola 5G यहाँ पर जो उसका हैंडसेट है वो करीबन 21,000 रुपये के प्राइस में आता है, सेम प्रोसेसर के साथ, Qualcomm Snapdragon 750G जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे है। वही Redmi Note 9 Pro 5G की भी बात करें तो यहाँ पर भी Snapdragon 750G आपको मिलता है, और वही परफॉर्मेंस में दोनों में से किसी में भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। 4820 mAh की बैटरी मिलने वाली है Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर। वहीं 33W का चार्जर आपको इनसाइड द बॉक्स मिलेगा। NFC सपोर्ट इंडियन वाले में आपको नहीं मिलेगा वेरिएंट में, क्योंकि इंडिया में NFC Redmi शायद ही किसी फ़ोन में लेकर के आता है। वहीं बात कर ले, इस फ़ोन का एक हॉट सेलिंग पॉइंट और भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर मिलने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाएगा, टाइप सी वाला पोर्ट, 3.5 mm जैक, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का यहाँ प्रोटेक्शन फ्रंट एंड बैक में। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और यहाँ अगर हम बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको Redmi के नोट सीरीज में जैसे मिलते हैं, या फिर पोको X2 या X3 की बात करें तो वैसा ही आपको यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी मिलने वाली है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा पॉइंट ये है कि IPS LCD के होने के बावजूद भी यहाँ पे 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लें। वहीं बात कर लें Redmi Note 9 Pro 5G के बारे में, यहाँ पर जो इसका हॉटेस्ट सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो है इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अब कैमरा पे ही ये जाके ख़त्म नहीं हो रहा है, कैमरा में वैसा सेंसर भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि है सैमसंग का HM2 सेंसर, जो कि तगड़ा सेंसर है। और मैं मानता हूँ कि सैमसंग HM2 का सेंसर अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगा तो ये आपको फाड़ू पिक्चर्स देने वाला है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। 108 मेगापिक्सल, मुझे पता है ये नंबर गेम्स अभी चल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने देखा है कि बदलते समय के साथ नंबर्स जैसे जैसे बढ़े हैं, वैसे ही यहाँ पर पिक्सल बाइंडिंग के ऊपर यहाँ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, अगर हम बात करें वीडियो के या फिर अगर हम पिक्चर्स की। वहीं 4K सपोर्ट भी करेगा रिकॉर्डिंग ये फ़ोन। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर 108 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा का भी सेटअप मिलता है, जो तीन अलग अलग कैमराज यहाँ मिलने वाले हैं, 8 मेगापिक्सल, 2+2 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। अब वहीं बात करते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे UFS 2.2 का भी सपोर्ट आपको मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे UFS 2.1 हमने मिड रेंज बजट सेगमेंट फोन्स में देखे हैं, लेकिन UFS 2.2 लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा आपके एप्लीकेशन का दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा किसी भी यहाँ पर एप्लीकेशन को अगर आप ओपन या क्लोज करते हैं तो।
सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि अगर मोटोरोला के फोन के साथ इसे कंपेयर करें हम, तो यहाँ पर आपको बिल्ड एंड डिजाइन काफी प्रीमियम मिलने वाला है, जो कि मोटोरोला के डिवाइस में आपको नहीं मिलेगा। वही बात करें तो कैमरा में भी यहाँ पर मोटोरोला पीछे रह जाने वाला है, क्योंकि Redmi Note 9 Pro 5G में आपको यहाँ पे मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आई थिंक बिल्ड एंड डिज़ाइन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बाद कैमरा, इन दोनों चीज़ों में मोटोरोला को पीछे छोड़ता है। तो जो लोग मोटोरोला खरीदने के फिराक में थे, तो अब आप लोग रुक जाइए, शांत रहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि Redmi Note 9 Pro 5G जल्द ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर हम बात करें स्पेक्स के साथ, क्योंकि 21,000 रुपए के प्राइस में यहां पर मोटोरोला का 5G हमें देखने को मिला हैंडसेट, तो वही हम उम्मीद करते हैं कि 20 से 21 के आसपास में आपको ये मिलेगा Redmi Note 9 Pro 5G इंडिया में। इससे ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा भी होता है तो आई थिंक 1,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा वेरी कर सकता है 22,000 रुपए तक, क्योंकि यहाँ पर 108 मेगापिक्सल और अगर हम सैमसंग के सेंसर के बारे में बात करें तो इसको ये लोग इनकैश कर सकते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से 21 की जगह 22 शायद प्राइस रखे। लेकिन अगर ये 20 या 21 के बीच में अगर आता है तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा, और अभी तक मोटोरोला के बाद ये Redmi का ही सीरीज फ़ोन होगा जो कि चीपेस्ट 5G सेगमेंट में आएगा। ये वहीं अगर हम बात करें तो चीपेस्ट 108 मेगापिक्सल वाला ये कैमरा वाला फ़ोन बन जाएगा। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बोला था कि समय के साथ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, यहाँ पर आपको 2021 में भी बहुत सारे 5G हैंडसेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अगर 20-21 हज़ार का आपका बजट नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और भी दमदार हैंडसेट्स मिलेंगे, क्योंकि रियलमी अभी भी शांत बैठा हुआ है, तो रियलमी भी कुछ ना कुछ लेकर के आएगा ही आएगा। वहीं अगर बात करें रेडमी की तरफ से, तो पोको भी एक और सेगमेंट में है, तो पोको में भी दोस्तों आपको जल्द ही पोको की तरफ से भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट मिलने ही वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए, अगर मोटोरोला खरीदने के जुगाड़ में थे, क्योंकि वो भी चाइनीज़ ही है एनीवेज, तो अगर लग रहा है कि चाइनीज़ में ही जाना है, वैल्यू फॉर मनी ही जाना है, जो वैल्यू सेंट्रिक फ़ोन्स अगर देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इंडिया इंडिया करके वो इमोशन वाला खेल हमें नहीं खेलना है और आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना है, तो आप वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, यहाँ पर Redmi Note 9 Pro 5G आपको इंडिया में जल्द ही मिल जाएगा। बाकी ये फ़ोन बहुत ही तगड़ा है, अगर हमें मौका मिलता है, अगर हमें ये प्रोडक्ट ले पाते हैं अगर, तो हम इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग सारा कुछ लेकर के आएंगे हर बार की तरह। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हमारी सारी मेहनत बेकार है। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।